कोई कोई कहता है मैंने तो सारे कार्तिक नहा लिए भाई, मैंने सारे कार्तिक नहा रखे हैं, 2 3 10 बार नहा, 10 साल नहाया हूँ मैं, 20 साल नहाया हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला। जब से पूजा है, पाठ है, दिया जलाना, अगरबत्ती, ठाकुर जी की सेवा करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से किया जाता है कि भगवान का चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी, कृष्ण सखी, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। जानती हूँ 15 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, इसके पीछे कारण था भाई, कुछ हमारी मेरी कुछ नाराज़गी चल रही थी ठाकुर जी से, वसुदेव से, अपने ठाकुर जी से मेरी कुछ नाराज़गी चल रही थी जो हमारी पर्सनल है, मैं बता नहीं सकती। इसी कारण से मैंने वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि मुझे मेरा कुछ अहम है, आपसे कहती हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मुझे वीडियो डालनी ही डालनी है, चैनल चलाना ही चलाना है। मैंने आपसे कह ही चुकी हूँ मैं अपनी वजह से अपनी चैनल नहीं चला रही, ठाकुर जी चलवा रहे हैं, वही कह रहे हैं ये चैनल चलवाने को, वही बोलते हैं वीडियो बनाने को, तो मैं बनाती हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्सनल कुछ ऐसी इच्छा है नहीं, उनके कहना भैया ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना। तो कुछ दिनों से मेरी उनसे नाराज़गी, कुछ मुठभेड़ चल रही थी अपनी, अब थोड़ा सॉल्व आउट हो गया है, तो बोले कि बना दीजिए ना, तो फिर हमने बनाई है। इट्स आई एम जॉकिंग। सो ये तो सब थी एक मजाक की बात, तो कुछ कारण था जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, कि जब तक मुझे अंदर से यहाँ से महसूस नहीं होता ना, जब से यहाँ से मेरे जब तक मेरे यहाँ से आवाज़ नहीं आती कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मैं नहीं बनाती। मैं चाहूँ तो ढेर लगाती हूँ, लगा सकती हूँ अपने चैनल पर वीडियोस के, शॉर्ट्स भी डाल दूँ, वीडियोस हर एक टॉपिक पर, अभी नवरात्र गए थे उस पर बना देती, इतने सारे फेस्टिवल, दशहरा गया, रामनवमी, और अभी अब और आएगा कार्तिक आएगा, इन सब पे मैं देखूँ तो कि त्यौहार आने वाले हैं, और वीडियो डाल दूँ और भी चलेगी, खूब चलेगी, आई नो पूरी दौड़ेंगी वीडियोज़। लेकिन जब तक मेरे यहाँ से आवाज़ नहीं आती, मैं वीडियो नहीं बनाती। जब भी किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉप विषय के बारे में कुछ ऐसी प्रेरणा नहीं आती, मैं वीडियो नहीं बनाती, भले मेरा चैनल चले या ना चले। अब देखिए 15 दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, आज बना रही हूँ, और बैठने से पहले भी नहीं पता होता क्या बोलने वाली हूँ, बस बोलना शुरू कर देती हूँ। हमारा तो धक्का मुक्की चल रहा है, ये चलवा ये ही हैं जो कहते हैं कि चला इस चैनल को बोलो और कुछ बोलो, तो हम बोल रहे हैं भाई हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, और कुछ दिन से लड़ाई चल रही थी तो अब सॉल्व आउट हुई है, तो कहीं बनाओगी नहीं क्या? तो हमने कहा चल ठीक है बना देते हैं। देखिए कि जो ठाकुर जी का चिंतन होता है उसकी टेक्निक के बारे में आज मैं शुरू करने वाली हूँ, कुछ एक दो एपिसोड लाऊंगी इसके। तो उसमें क्या होता है कि देखिए हर एक चीज़ की टेक्निक होती है, अब चाहे इस संसारी जगत में ले लो, जब भी कोई चीज़ बिना टेक्निक के हम नहीं करते हैं तो वो चीज़ इतना रिजल्ट नहीं देती है, अच्छा नहीं होता, अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आता जब तक एक पर्टिकुलर टेक्निक उसमें यूज़ न की जाए। जैसे खाना बनाने का उसकी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक होती है कि उसमें क्या डालें, कितनी हम क्वांटिटी में और किस टाइम डालना है, ये भी होता है कि तब वो जाके वो परफेक्शन आता है। ये किसी बिजनेस में किस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ये किसी भी चीज़ की हर एक टेक्निक होती है जो हमें यूज़ करनी चाहिए। इस तरीके से हमारे अध्यात्म जगत में भी एक टेक्निक है जो भगवान तक जो है आसानी से और ईजीली और जल्दी जाती हैं। वे टेक्निक जो है आज मैं कुछ बताऊंगी आपको, जो है जिसको कहते हैं चिंतन की टेक्निक। चिंतन मतलब होता है, अब ये मैं सोचे कि मैंने कौन सा है भारी भरकम वर्ड ले लिया, चिंतन हो, ये क्या होता है समाधि, ऐसे आंख बंद करके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चिंतन मतलब सोचना। अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हो, अभी भी आप दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, सब लोग सोचते हैं कुछ ना, चिंतन सब करते हैं, बस फर्क इतना है कोई किसी चीज़ का करता है, कोई किसी चीज़ का करता है। अभी भी आप कुछ ना कुछ चिंतन कर रहे होंगे, कुछ मतलब कुछ सोच रहे होंगे, मे बी कुछ भी, कल के बारे में, परसों के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में जाना है, किसी चीज़ के बारे में, कोई काम कर रहे हैं जो आपको करना है उसके बारे में सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ सब सोचते हैं, उसको ही चिंतन कहा जाता है। तो जहाँ चिंतन जाता है वहीं बन जाता है और वहीं हमारा भविष्य बनता चला जाता है। चिंतन जब, यही चिंतन जब हम खींच के सारे संसारों की वस्तुओं स्थानों से खींच कर जब हम इनमें ले आते हैं, यानी कि ठाकुर जी भगवान में ले आते हैं, तो वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है हमारे अंत समय के लिए, हमारी आत्मा के लिए, और हमारी हर एक चीज़ के लिए, हमारा अंतकरण साफ करने के लिए। सारी प्रॉब्लम यही है, सारी प्रॉब्लम का जड़ घासी से मिल जाता है। सारा चिंतन जो है, सारी जो सोच है हमारी इधर उधर घूमती रहती है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो सारा खींच के हमको इन तक लेके आना है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। और यही सभी चीज़, यही बात, सिर्फ एक यही बात जो है सभी साधु संत लोग जो हैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अपना चिंतन बदलिए, उसी
चिंतन ठाकुर जी भगवान के बारे में चिंतन करिए, भगवान के बारे में चिंतन कीजिए, भगवान के बारे में सोचिए, उनका नाम जप कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। दरअसल जैसे पूजा है, पाठ है, दिया जलाना, अगरबत्ती, ठाकुर जी की सेवा करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से किया जाता है कि भगवान का चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमारी उनमें बुद्धि लग सके, हम उनमें हमारा हमारी सोच जो है उनकी तरफ जा सके, हम किसी न किसी बहाने से भगवान का चिंतन करें। जैसे हम संसार का पूरा दिन करते रहते करते रहते, कचरा हमारे माइंड में भरता चला जाता है, अंतःकरण में परतें जमती चली जाती हैं किसी न किसी कारण से, चाहे हम किसी कोई भजन कीर्तन करता है, सबको इन्वाइट करके बुलाता है, तो मकसद पीछे इन सब के यही था, कीर्तन करना, भजन करना, कोई और कार्यक्रम करना, जागरण करना, कि किसी न किसी बहाने से भगवान में हमारे की हमारी जो सोच है थोड़ी देर के लिए भगवान में किसी न किसी बहाने से लग जाए, जिस जो परम लाभकारी सिद्ध होती है थोड़ी देर की भी, जब अंत समय का भारी आती है। तो खैर ये होता है चिंतन, मतलब सोचना। अब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कि वो आदमी किसी बारे किसी चीज़ के बारे में तभी सोचता है, या तो उसके लिए वो ज़्यादा, या तो वो चीज़ उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण या वैल्यू रखती है, इम्पॉर्टेंस ज़्यादा रखती है उसके लिए, वही चीज़ इंसान ज़्यादा सोचता है, जैसे भविष्य के बारे में, पैसे के बारे में, किसी टारगेट पर्टिकुलर गोल के बारे में, तो वो उसके लिए इसका मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखती है। तो भगवान का चिंतन कितना होता है आप कैलकुलेट कीजिए, पूरे दिन में आप भगवान के बारे में कितने सोचते हैं, हाय मेरे कृष्ण गोविंद ठाकुर जी मुरारी राधा गोविंद, कितनी बार सोचते हो, ज़रा कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए दिन में कितनी बार आप भगवान के बारे में सोचते हो, शायद बहुत कम है ना। तो मेन मकसद, और हम जो पूजा वगैरह करते हैं उनका मकसद यही है कि आप की सोच जाए उनकी तरफ, आप उनका चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो यही इन सब का मकसद होता है। लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, इसलिए बताई जाती है, इससे चिंतन वहाँ जाए तो, और चिंतन हो नहीं रहा और सीधी सेवा कर लें तो उसका कोई फायदा नहीं। और आप ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, उनकी पोशाक बदल रहे हैं, उन्हें स्नान करवा रहे हैं, लेकिन चिंतन आप चल आपका कुछ और चल रहा है, सोच कि कल वहाँ जाऊँगी, उसने मुझको ऐसे कहा था, ये सब, तो उस सेवा का कोई फायदा नहीं है जब तक चिंतन नहीं होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जब तक चिंतन नहीं होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इन ठाकुर सेवा कर लो, गंगा नहाया हो, चाहे कार्तिक आने वाला, सारे कार्तिक, कोई कोई कहता है मैंने तो सारे कार्तिक नहा लिए भाई, मैंने तो सारे कार्तिक नहा रखे हैं, 2-3 10 बार नहा, 10 साल नहाया हूँ मैं, 20 साल नहाया हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका चिंतन अगर आपका बदल रहा है कार्तिक नहाने से तो बढ़िया है, मैं तब गलत नहीं कहूँगी। अगर आपका चिंतन नहीं बदल रहा और सिर्फ नहाना है धोना ही चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ना प्लस हो रहा ना माइनस हो, वहीं के वहीं हैं आप। तो चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान का, इसी के लिए जोर दिया, इसीलिए नाम जप बताया जाता है। भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपोगे तो भगवान का चिंतन होगा, ठाकुर सेवा अगर भगवान का चिंतन होगा, कीर्तन करोगे, भजन करोगे तो भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन होगा, माला करोगे तो भगवान का, ये सब भगवान के चिंतन की टेक्निक है। अब मैं आपको बताती हूँ टेक्निक की बात। जैसे कोई चीज़ जब इंपॉर्टेंट, जब भगवान जब तक आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, जब तक आपको इनसे प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा तो इंपॉर्टेंस होगी, इंपॉर्टेंस होगी तो इनका चिंतन अपने आप सहज होगा, बिना सोचे होगा। तो अब मैं कहती हूँ किसी चीज़ पर ध्यान लगाइए, ठाकुर जी पर ध्यान लगाइए, नहीं लगेगा। अब कोई ऐसी चीज़ सोचिए जिसको आप लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मान लीजिए आपका बेटा है, बेटी है, आपका कोई भी सगा संबंधी जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, उसका आँख बंद करते बिना कहीं उसमें चिंतन जाता है, क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। तो सिर्फ पहले इनसे प्रेम होगा, फिर इनकी इम्पोर्टेंस आएगी, इम्पोर्टेंस से इनमें इनका चिंतन सहज होगा, अपने आप होगा। तो टेक्निक आज हम ऐसे यूज़ करने वाले हैं जिससे आपको एक रेगुलर, एक जो मैं टेक्निक की बात कर रही थी, जो चीज़ जैसे खाना बनाते समय ये चीज़ इस टाइम पे डाली जाए, छोक से पहले डाली जाए, बाद में डाली जाए, उसका अलग ही फ़र्क पड़ जाता है पूरे, ऐसी ठीक इसी तरीके से अध्यात्म के जगत में भी ऐसा ही होता है। मैंने कई बार कई लोगों से पूछा कि आप जैसे आँख बंद करके भगवान का स्वरूप सोचिए, उनका मुख सोचिए, पहले उनकी मोर पंखी वाला मुकुट सोचिए, फिर उनका तिलक सोचिए, फिर उनका मस्तक, फिर उनकी नासिका पैनी, नील नीले से कपोल सोचिए, फिर सुंदर सुंदर लाल लाल होठ सोचिए, और फिर ऐसे ऐसे करके जो उनका जो भी स्वरूप आपने कहीं देखा है, जो मैंने बताया था एक पहले वीडियो में भी बहुत पहले डाली थी, कि जैसे आपने कोई फोटो देख रखी है कहीं किसी कैलेंडर में, कोई आपका स्वरूप है किसी फोटो में जैसे ये है ऐसे देख रखे हैं, या कहीं वो जो किसी वॉलपेपर में, किसी इंटरनेट पे कोई ठाकुर जी का स्वरूप देख रहा, किसी मंदिर में देख रखा है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो वही सोचिए। आँख बंद करिए, उनका पहले पहले तो उसको अच्छी तरह से देखिए, खुली आँखों से देखिए उस स्वरूप को कैसा है, हर एक चीज़, हर एक मोती मोती भी सोचिए कि किस तरीके का है, नीला है, सफ़ेद है, लाल है, कौन सा है, कौन सा रंग है, हर चीज़ चीज़ का हर एक अंग का देखिए, फिर उसको आँख बंद करके सोचने की कोशिश कीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक सोचते चले जाइए,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब स्पष्ट नहीं दिखेंगे आई नो, लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें क्लैरिटी आती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे उसके जब आप रूप सोचने लगेंगे, जब रूप थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, फिर उसमें अलग अलग तरीके की सोचिए कि अब आए हैं, अब चेयर पर बैठे हैं, किसी चीज़ पर बैठे हैं, फिर या अब आकर या आपसे वार्ता कर रहे हैं, या आप उनको कुछ खाना कुछ भोग लगा रहे हैं, कुछ खाना खिला रहे हैं आप उनको, आप उनसे वार्ता कर रहे हैं, तो आप उन्होंने इस आपने कुछ उनसे पूछा तो उन्होंने वहाँ से इस चीज़ का उत्तर दिया, उसने उन्होंने वहाँ से उधर से इस बात का ये वाला उत्तर दिया, ऐसे ऐसे करके सोचिए और फिर उनको रिमाइंड कीजिए पूरे दिन वापस। अब टेक्निक इसमें क्या है कि इसमें आपको समय एक ही यूज़ करना है। अगर आप रात को बैठते हैं, सोने से पहले बैठते हैं 10-11 बजे, तो रोज़ सोने से पहले ही बैठेगा, और अगर आप सुबह में बैठते हैं नहा धो के मंदिर के सामने जब पूजा करते हैं, तो तभी ही बैठेगा। जो समय आपका है वो फिक्स रहना चाहिए, तब इसमें बहुत जल्दी फ़ायदा होता है इस चीज़ का। फ़ायदा का इन द सेंस, इस चीज़ में फ़ायदे का क्या मतलब है कि इस चीज़ में आपकी और उन्नति होगी, आपको नए नए अनुभव होंगे इस चीज़ में, इस सफ़र में आपको नए नए अलग अलग तरीके अनुभव होंगे, वो आपको जल्दी जल्दी होने लगेंगे अगर आप एक ही समय पर ये चीज़ यूज़ करते हैं तो। और दूसरा ये आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। पहला तो हो गया आपको एक ही समय पर करना है, दूसरा आपको पूरे विश्वास के साथ करना है कि यही है ये जो बोल रहे हैं यही सत्य है, वो यही बोल रहे हैं, ये मेरी कल्पना नहीं है, यही बोल रहे हैं। उसको कल्पना ना माने बिल्कुल भी, ये सोचे कि ये मैं नहीं सोच रहा, कि बहुत सा लगेगा आपको शुरू शुरू में कि ये तो मैं ही सोच रहा हूँ, जवाब नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको ये विश्वास करना है कि वे ही बोल रहे हैं। तीसरा रोल सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ये रेगुलर करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। जैसे खाना खाना हम एक भी दिन नहीं छोड़ते हैं, आपको नियम बनाना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर किसी दिन बहुत ही बिजी हम बाहर गए हुए हैं, तो कम से कम चाहे आप 1 मिनट का टाइम दें, कहीं भी बैठ जाएं या सबके बीच में अगर बैठ जाएं, लेकिन 1 मिनट के लिए आप उनसे बोल कर आ जाएं और फिर आ जाएं वापस, तो उतना भी काफ़ी है, लेकिन स्किप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करना आपको बिल्कुल बराबर लगातार है, बहुत तो बहुत जल्दी इसमें सक्सेस मिलेगी। ये 3 मेन पॉइंट है जो आप लिख लीजिए, आपको याद रख लीजिए, आपको याद रखने हैं ये 3, बहुत जल्दी आपको इसमें सब टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई, जो आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाएंगी, इसमें आपको नए नए अनुभव कराएंगे। फिर आप जब धीरे धीरे देखेंगे ना, जो चीज़ आप चिंतन में सोचेंगे वो चीज़ आपकी वास्तविक जगत में होने लग जाएगी। हालांकि वास्तविक हम कहने के लिए बोलते हैं, वास्तविक जगत है ठाकुर जी का ही, ये जगत एक स्वप्न है और वो सत्य है, लेकिन अभी हमको ये सत्य लग रहा है, वो एक स्वप्न और ध्यान लग रहा है, लेकिन वो जब सत्य लगने लगेगा, ये एक स्वप्न लगने लगेगा, तब आप सही ट्रैक पे होंगे। तो आपकी जो वो ध्यान की जो चिंतन की जो चीज़ें हैं, वो वास्तविक जगत में जो आने लगेगी, जो चीज़ आप ध्यान में हुई वही चीज़ आप देखेंगे, कैसे कैसे अट्रैक्ट होकर आपके पास वही चीज़ें, वही चीज़ें, वही बातें, वही जो भी चीज़ें हैं, बातें वार्ता या कुछ भी कुछ उससे संबंधित वस्तु, वही चीज़ें आपके संसार के जगत में आने लग जाएगी। ये चीज़ें कुछ कुछ अनुभव हैं, ये तो मैं एक दो बता रही हूँ, पता इसके तो अनुभव अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और आपको बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ में, कि किसी से कहने सुनने लायक नहीं होंगे, ना कोई समझेगा आपकी बात को, आपको अपने तक ही सीमित रखनी है। फिर बता रही हूँ कि इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, पहले शुरू कीजिए फिर बताइए कि कैसा लगता है ना, और कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछ सकते हैं नीचे, और मैं फिर आऊँगी अब जल्दी, अब सुलह हो गई है लड़ाई से, तो जल्दी आऊँगी एक और वीडियो लेकर, आप तो अब मुझे आके दीजिए, मैं जल्दी हूँ। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस मेरे प्यारे प्यारे ठाकुर जी से संबंधित लाती रहती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।